तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं टेक्नो प्रो राजपूत चैनल को। तो आपने टाइटल और थंबनेल देखकर पता लगा लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है, और मुझे ये भी पता कि जो मेरी ऑल वीडियोस है वो अभी किसी किसी फ़ोन के अंदर काम कर रही है, हर एक फ़ोन के अंदर काम नहीं कर रही है, क्योंकि देखो व्हाट्सएप है, जीबी व्हाट्सएप है, इसके ऊपर अपडेट आती रहती है, फोटोज वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो ये जो आज की वीडियो है ना, ये 100% क्या 200% वर्किंग ट्रिक है, क्योंकि मैंने न्यू ट्रिक अप्लाई करी है और मुझे चल गया पता कौन से फोल्डर कहाँ पर जो बैकअप है वो बनता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपका बैकअप है 100% ट्रांसफर हो जाएगा आपका जीबी से व्हाट्सएप के ऊपर। बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा तभी आपका जो बैकअप है वो ट्रांसफर हो पाएगा, क्योंकि सारे स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर। बस वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं मेन टॉपिक को, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलते सर मेन टॉपिक के अंदर। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टॉप के ऊपर पहले तो क्लिक कर लेना है, उसके बाद सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर चैट्स के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको चैट पैक के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर पूरा बैकअप लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरा बैकअप लेना है, उसके बाद बैक आना है, फिर से ऊपर क्लिक करना है, देन जीबी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यूनिवर्सल के ऊपर क्लिक करना है, देन आप बैकअप है रिस्टोर, उसके बाद पहले वाले के ऊपर क्लिक करना है बैकअप व्हाट्सएप डेटा। तो जहां पर आपको पूरा बैकअप देना है, जब जहां पर देखने को मिले बैकअप फिनिश तो समझ लेना कि जो आपका बैकअप है जहां पर पूरा बन चुका है, यहां पर जो हमारा बैकअप है बन चुका है। उसके बाद जहां से इसे आपको मैं जहां से रिमूव करता हूं बैकग्राउंड से, उसके बाद आपको फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है, देन आपको जाना अपने इंटरनल स्टोरेज के अंदर, उसके बाद आपको एंड्रॉइड का फोल्डर ओपन करना है, देन मीडिया को ओपन कर लेना है। तो जब आप अपने मीडिया का फोल्डर ओपन करोगे तो अब बात करते हैं कि जो आपका जीबी व्हाट्सएप का बैकअप है वो कौन से फोल्डर के अंदर बनता है, कौन से फोल्डर चेंज वगैरह हुए हैं। तो आपको देखो दो फोल्डर देखने को मिल सकती हैं, एक तो com.gwhatsapp एंड com.universemessenger, दोनों फोल्डर कभी भी आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको दोनों में से एक फोल्डर देखने को मिलेगा। अब आप ये सोचोगे कि आपके मीडिया के अंदर दो फोल्डर कैसे बने हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये फोल्डर मैंने खुद बनाया है, इनमें से एक फोल्डर मैंने खुद बनाया है आपको बताने के लिए, बाकी जो मेरा बैकअप है वो com.universemessenger के अंदर बनता है। बाकी आप भी चेक कर लेना कि आपके दोनों फोल्डर में से कौन सा एक फोल्डर है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाना है जिसका नेम आपको रखना है com.whatsapp, आपको स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना, सब कुछ आपको स्मॉल में रखना है, कोई स्पेस बिल्कुल मत देना, आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पर देखो मैंने बना दिया com.whatsapp नेम का फोल्डर, इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर भी एक फोल्डर बनाना है व्हाट्सएप नेम का, जो मैं लिख रहा हूँ स्पेलिंग लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो आपका बैकअप है वो मीडिया के अंदर सिर्फ दो जगह ही बन सकता है, एक तो com.gwhatsapp के अंदर, दूसरा com.universemessenger के अंदर, इन दोनों में से कोई आपको एक फोल्डर देखने को ही मिलेगा, दोनों फोल्डर कभी भी आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे मेरा जो बैकअप है वो com.universemessenger के अंदर बनता है, ठीक है, बाकी आप सोचोगे कि आपके फोन के दो फोल्डर कैसे, तो ये देखो मैंने आपको बताने के लिए एक फोल्डर अपनी तरफ से बनाया है, ठीक। तो अब मैं com.universemessenger को ओपन कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद जीवर्स को ओपन कर लेता हूं, जहां पर जितने फोल्डर हैं सारे फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद कॉपी के ऊपर क्लिक कर लेना, देन इंटरनल स्टोरेज, उसके बाद एंड्रॉइड, देन मीडिया, उसके बाद com.whatsapp के अंदर, देन व्हाट्सएप के अंदर आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो बैक जाकर एक बार फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से फोल्डर थे। तो जहां पर जो मैं डाटा वो कॉपी हो रहा है, तो फाइनल जो मैं डाटा जहां पर कॉपी पेस्ट हो चुका है, उसके बाद जहां से इसको मैं रिमूव करता हूं बैकग्राउंड से, उसके बाद आपको अपने फोन के अंदर व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेना, आपको मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि प्राइवेसी का इश्यू है, ठीक है, फटाफट से व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेता हूं। मैंने व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लिया, बट अभी ओपन बिल्कुल मत करना, ठीक है। उसके बाद आपको अपने फोन को एक बार पावर ऑफ या रिस्टार्ट कर लेना है, ताकि जो आपका फोन अच्छे से रिफ्रेश हो जाए, जो भी आपका बैकअप है अच्छे से कॉपी पेस्ट हो जाए। तो जहां पर आप अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूं, तो आपको भी ये काम करना है, पावर ऑफ या रिस्टार्ट, तो ये काम फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा फोन है बिल्कुल ओपन हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फोन को कम से कम देखो 10 मिनट या 15 मिनट फोन को चला लेना, ताकि जो आपका बैकअप अच्छे से रिफ्रेश हो जाए, आपका जो फोन अच्छे से रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो 10-15 मिनट फोन को चला लेना, तो 10-15 मिनट फोन चलाने के बाद आपको ना व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, उसके बाद जहां से जो भी आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद एग्री कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है, देन अपना फोन नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर लेना, उसके बाद जहाँ से कंटिन्यू या वेरीफाई अनदर वे आपकी ऑप्शन है, आप कुछ भी यहाँ पर चूज कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपके फोन के ऊपर ओटीपी आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है, उसके बाद जो मेरा पिन है वो एंटर कर लेता हूँ। तो देखो ये मेरा व्हाट्सएप का लॉक पिन है, आप में होगा या नहीं होगा वो आपको पता है, ठीक है। जहाँ पर मेरा वेरीफाई सब कुछ हो चुका है, उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। आपको नोट नहीं करना, कंटिन्यू करना है, देन अलो के ऊपर फिर से आपको अलो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैकअप देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पर बैकअप देखने को मिल चुका है। उसके बाद यहाँ से मैं रिस्टोर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, देन अब सारे मैसेज ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे जीवी से व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है अभी। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना, नेम आपका एंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर लेना, देन अपना जो पिन है वो भी एंटर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डेली वीकली मंथली नवी जगह आपको नेवर करना है, देन डन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जहाँ से अपना जो पिन है वो एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपके बिल्कुल सामने जो भी मैसेज है सारे मैसेज ट्रांसफर हो चुके हैं मेरे जीवी से व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आपको ये गलत लग रहा है तो आप पहले से चेक कर लेना, पहली वीडियो, ठीक है, स्टार्टिंग वीडियो, और ये एंड वाली वीडियो चेक कर लेना, बिल्कुल मैसेज सेम है, वही मैसेज है। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही करना जैसा आपको मैंने करके बताया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारे स्टेप को फॉलो करना। जहाँ पर स्टेप समझ नहीं आता वहाँ पर वीडियो को पॉज करो, फिर वो स्टेप अपने फोन के अंदर अप्लाई करो, तो आपको काफ़ी आसानी होगी बैकअप ट्रांसफर करने। बस यही था आज की वीडियो के अंदर कि आपको जीवी से व्हाट्सएप के ऊपर बैकअप ट्रांसफर कैसे करना है। थोड़े से फोटो चेंज वगैरह हो चुकी हैं, बट आपको मैंने करके बता दिया है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।